अभी रिसेंटली ट्रैफिक पुलिस वालों को हेलमेट्स दिए गए विच आर हैविंग एसी इनटू इट। जब गर्मी बहुत है दे कैन स्विच ऑन द एसी, इवन शायद उनका जो जैकेट है दैट इज आल्सो एसी, राइट। तो दैट इज वन इनिशिएटिव, बहुत अच्छा लगा मुझे देख के। एंड दिस इज द अनदर वन व्हिच आई एम सेइंग कि रियली दिस इज समथिंग वी शुड व्हिच इज रिक्वायर्ड। सबसे पहला जो माउस डिवाइस किया गया था वो ज़ेरॉक्स की एक रिसर्च लैब ने बनाया था, ओके, बट देयर टीम डिड नॉट अप्रिशिएट इट, दे इनफैक्ट वर लाफिंग ऑन दैट व्हाट्स अ माउस, सो इट वाज जनरली समबडी कॉल्ड इट अ माउस। Mouse and a keyboard, these are the two things used to interact with the computer. वो mouse को फिर चुराया गया by Apple, Steve Jobs. वो Steve Jobs का technology was stolen by Bill Gates. Bill Gates. Sir, जब भी कभी roads की बात होती है, तो जापान की जरूर बात होती है कि जापान की roads बहुत अच्छी हैं, जापान में roads बहुत fast बन जाती हैं। आपकी book में पढ़ने का पता चलता है कि यार plastic roads ये सबसे पहले इंडिया में बनी है, इट्स एन इन्वेंशन ऑफ इंडिया। ट्रू ट्रू। इसके बारे में थोड़ा ऑडियंस को ज्ञान दिया जाए। पहला प्लेन एक इंडियन ने उड़ाया था, राइट ब्रदर्स ने नहीं उड़ाया था, आई एम सेइंग दिस ऑन रिकॉर्ड। इसके ऊपर एक पिक्चर बनी हुई है, इसके ऊपर इट इज देयर कैटेगराइज्ड इन द बुक। एक मराठी बच्चे ने पहला प्लेन उड़ाया था, वो भी बॉम्बे के चौपाटी बीच पे। फाइबर ऑप्टिक्स जो आजकल बड़ी कमाल, वो एक इंडियन ने, एक सरदार जी ने इन्वेंट किया था, कल्पानी। अच्छा। He invented fiber optics, जिसपे पूरी दुनिया चल रही है, all this internet की जो connectivity under the oceans है, कि आपके सारे घरों में जो fiber optic लगा हुआ है, जिससे आप अपना wifi चला रहे हो, अपना DTH चला रहे हो, ये सारा एक इंडियन ने इन्वेंट किया था। अगर हमारी जो वेदों में आप पढ़े तो वेदों में बकायदा तीन श्लोक है संस्कृत में, उन तीन श्लोकों का अगर आप अनुवाद करें इंग्लिश में तो दे एग्जैक्टली मैचेस विद द थ्री ग्रेविटेशनल लॉज, एग्जैक्टली मैचेस। अच्छा, इसमें मैं आपको एक बात बताऊं, एंड इसमें एक फैक्ट और भी है, प्लीज। न्यूटन वाज वेरी गुड इन संस्कृत। अच्छा? यस, आई डिड नॉट नो दैट। दोस्तों, हम हिंदुस्तानी लोग ना अपने देश पे गर्व तो बहुत करते हैं, पर हमें कई बातें अपने देश के बारे में नहीं पता। ऐसे ऐसे इन्वेंशन जो हमारे देश के लोगों ने करे हैं, देश के गौरवशाली लोगों ने करे हैं, प्रतिभाशाली लोगों ने करे हैं, हमें वो इन्वेंशन पता ही नहीं है। हम सोचते हैं कि यार ये इन्वेंशन तो ना ये फॉरेन की कंपनी का होगा। जनरली हमें एक ब्रांड वैल्यू, हमें बहुत ज्यादा आजकल जो क्रेज में रहती है, हम हर चीज चाहते हैं कि यार ब्रांड से मिल जाए, हमें ये वाली ब्रांड मिल जाए, ये फॉरेन का ब्रांड है, ये ब्रांड है, पर हमें कई बार ये पता ही नहीं होता कि जिसको हम फॉरेन ब्रांड समझ रहे हैं उसके पीछे किसी हिंदुस्तानी का हाथ है। आपने कभी बात नोट करी है? मैंने रिसेंटली बुक पढ़ी है जिसका नाम है 75 इनोवेशंस बाय इंडिया एंड इंडियंस, रिटन बाय मनमीत सिंह जी। ये कैप्टन थे नेवी में और इन्होंने एक किताब लिखी है, बहुत ही इंटरेस्टिंग बुक है, क्योंकि इसमें ऐसे ऐसे इनोवेशंस की बात की गई है जो मुझे फ्रेंकली मुझे नहीं पता था कि इंडियंस ने करे। सर, वेलकम टू द शो ऑफ बुक्स एंड थ्योरीज पॉडकास्ट। उससे पहले मैं एक चीज और बोलूंगा भाइयों, हम बहुत मेहनत करते हैं यार, बुक्स पढ़ते हैं, कंटेंट बनाते हैं, गेस्ट को लाते हैं, गेस्ट भी इतनी मेहनत करके आते हैं, हम डिस्कशंस करते हैं, शूट एडिट, यहाँ पूरी टीम खड़ी हुई है, तो यार एक लाइक और सब्सक्राइब जरूर बनता है। प्लीज लाइक कर देना और सब्सक्राइब जरूर करना चैनल को, ताकि ऐसे इन्फॉर्मेशन कंटेंट, इन्फॉर्मेटिव कंटेंट आपको मिलता रहे। तो सर, फर्स्ट ऑफ ऑल, ये दिमाग में कैसे आया ये 75 इनोवेशंस लिखने का? पहले जय हिंद। मैं अपने जहाजों पे पूरी दुनिया घुमाऊँ, काफी दुनिया देखी है, और जब मैं इंडिया में सेटल होने आया और अपनी कंसल्टेंसी का काम शुरू किया, तब हम इनोवेशन के दायरे में काम कर रहे थे और मैं उसमें कंसल्टिंग भी करता हूँ, तो क्योंकि ये मेरी चोजन लाइन थी और इस पर मैं एक्सपर्ट बनना चाहता हूँ, तो मैंने कहा इस पर थोड़ा रिसर्च किया जाए। और जितना मैंने रिसर्च किया, मैं इतना हैरान हो गया कि इतनी सारी चीजें इंडियंस ने की हैं और हमें पढ़ाई नहीं जाती, हमें बताई नहीं जाती, इंडियंस को ही नहीं पता, हमारे एजुकेशन सिस्टम से स्किप्ड है, और इट इज मेंशनड इन अ वेरी नो आराम से किसी को, मतलब हाँ ऐसा है, होगा, देखा जाएगा। सो द पर्सन हु इज राइटिंग आल्सो डजंट सीम टू हैव एनी पैशन और ब्रिंगिंग इट आउट दैट वी हैव डन सम रियली अमेजिंग वर्क। तो और द अदर थिंग विच आई नोटिस्ड कि बीइंग अ पर्सन हु इज वेरी पैशनेट अबाउट हिस्ट्री, मैं जितना पीछे हिस्ट्री में गया उधर मैं उतना ही ज्यादा हैरान होता गया, जबकि आजकल काफी ज्यादा लोग इंटरनेट के ऊपर और सोशल मीडिया में हमारे पास्ट की और ग्रंथों की बातें कर रहे हैं। मैं उस डायरेक्शन में एट द मोमेंट जाना नहीं चाहता क्योंकि बहुत बड़ा सब्जेक्ट है,
लेकिन बिकॉज दिस इज साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड दैट इज द टॉपिक ऑफ द बुक, मैंने जो भी जियोलॉजी, आर्किटेक्चर, मेडिकल साइंस और मैथमेटिक्स, इन सब चीजों को लेके थोड़ा सा आई जस्ट स्कूप्ड अ लिटिल बिट ऑफ व्हाट इज ऑफ अ पास्ट, और मैं हैरान हो गया. हम दिल्ली में रहते हैं, वहां पे अशोका स्तंभ है, 1600 साल से एक लोहे का पिलर खड़ा हुआ है और उसमें आज तक जंग नहीं लगा. पहला क्वेश्चन मेरा वही था आपसे, वर्ल्ड फर्स्ट रस्ट फ्री आयरन पिलर, मतलब ये हमारे सामने पड़ा है और किसी, मतलब इट इज बीइंग टॉट इन हिस्ट्री कि है, और पिलर से ज्यादा कुतुब मीनार पे ज्यादा फोकस है. Well, Qutub Minar has to be given its due. It is the tallest pillar, most probably in Asia, when it was built in India, still there. लेकिन एक आयरन पिलर जो उसी विसिनिटी में खड़ा है, 1600 साल से खड़ा है, उसमें आज तक जंग नहीं लगी. So imagine the technology, metallurgy. आप आज की तारीख में जाके लोहा खरीदिए वो और उसको रख दीजिए और आप देखोगे कितना टाइम, एक दिन बारिश हुई नहीं, अगले दिन जंग लगना चालू. एनसीआर का पानी तो ऐसा है कि प्लास्टिक में भी जंग लग जाती है. तो और यहाँ पे हमारे जो पूर्वज हैं वो कुछ ऐसा उसके ऊपर करके गए, तो थोड़ा लाइट थ्रो करें इसके ऊपर. तो ये पर्टिकुलर जो पिलर है, इट इज नॉट लाइक वन पीस ऑफ मेटल, ये एक धातु को एक पर्टिकुलर टेक्निक से मार मार के, हैमर कर करके, बिल्ड कर करके बनाया गया है. आप अगर एक नॉर्मल किसी क्रोम प्लेटेड चीज को लेके, किसी भी क्रोम प्लेटेड चीज को लेके, उसके ऊपर अगर आप कुछ एचिंग या एचिंग करेंगे ना, तो आप नोटिस करोगे उस एचिंग या उसके ऊपर रस्ट आना शुरू हो जाएगा, क्योंकि क्रोम की लेयर आपने तोड़ दी, तो नीचे से रस्ट आना चालू हो जाएगा. बट इस पिलर के ऊपर इंस्क्रिप्शंस हैं, जो एक तो ये विष्णु जी की उसमें क्या कहते हैं उसकी, उनकी प्रेज में बनाया गया है, बट एट द सेम टाइम इट इज ऑल्सो टॉकिंग अबाउट एम्परर चंद्रगुप्ता टू जो उस टाइम पे रूल करते थे, उसके ऊपर इंस्क्रिप्शन है और कहीं कोई रस्ट नहीं है. कैसे? दैट इज द इनोवेशन. और आज तक हमारे जो आर्कियोलॉजिस्ट हैं इसके ऊपर कोई लाइट नहीं डाल पा रहे, क्योंकि वो जो हमारी ये मेटलर्जिकल है, या फॉर दैट मैटर जैसे हमारे टेम्पल्स बने हुए, और टेम्पल्स एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है जो हमारी, उसकी कार्विंग है, आर्किटेक्चर है, इट्स अमेजिंग. मतलब दुनिया एक तरीके से फिक्सेटेड है विद द पिरामिड्स, लेकिन उनको बोलो जरा वही थोड़ा और आगे आओ, इंडिया की तरफ आओ, तो उधर तो पत्थर के ब्लॉक्स है, यहाँ पे हमारी कार्विंग को देखो, लुक एट द ब्यूटी ऑफ आवर कार्विंग. एंड मंदिर के मंदिर बने हुए हैं विदाउट एनी सीमेंट, एंड कितने अर्थक्वेक आए, कितने भूकंप आए, वो खड़ा है. और आप देखो कल कहते हैं एक वो ब्रिज बना था बिहार में, परसों टूट गया. सो मतलब इतना ज्यादा क्वालिटी ऑफ हमारी आर्किटेक्चर थी, एंड नथिंग हैज फेल्ड. सर जब हम खजुराहो की बात करते हैं तो लोग सेक्सुअल पोजीशन के लिए उसको याद रखते हैं, राइट, पर द कार्विंग और जो आर्किटेक्चरल डिजाइन बनाया गया उसके बारे में कोई बात नहीं करता. सर आप ये लेके देखिए, मैंने तीन टेंपल्स भी कवर किए हमारी किताब में, जो सबसे आर्किटेक्चरली सबसे ज्यादा दे आर द बेस्ट इन टर्म्स ऑफ आर्किटेक्चर. एक को तो रिवर्स इंजीनियर किया गया है, टेंपल नीचे जाता जा रहा है, वो आजकल के मैथमेटिकल मॉडल से किसी भी आर्किटेक्ट का दिमाग खराब हो जाएगा. आप नॉर्मली नीचे से ऊपर बनाते हो, उसने टेम्पल ऊपर से नीचे बनाया हुआ है. ये गुजरात में है टेम्पल, वो एंड देयर आर टॉक्स दैट मे बी इट्स अ नेगेटिव एनर्जी एंड उल्टा क्यों बनाता है कोई, बट उन्होंने बनाया है एंड इट जस्ट कीप्स गोइंग डीपर. यू विल बी सरप्राइज, उसका एंड नहीं मिला, दे हैव गिवन अप, क्योंकि डिगिंग करते जा रहे हैं और मिलता जा रहा है, मिलता जा रहा है. एंड इट इज अ यूनेस्को हेरिटेज साइट. Okay. There is one pillar which is there in one of the temples in Andhra Pradesh. उन्होंने देखा पिलर खड़ा हुआ है, उसके नीचे से पेपर हिला लो. It is still standing. It's still standing. Yeah. So the and you will see, अगर उन पिलर्स को आप देखोगे ना, तो आपको ऐसे लगेगा यार ये बहुत तरीके से बफ करके पॉलिश किया हुआ है. और यार उस टाइम पे अगर टेक्नोलॉजी वॉज जस्ट सिंपल हैमर एंड चिजल, क्या कार्विंग्स हुई है, क्या पॉलिशिंग हुई है, क्या फिनिश है. सो इट इज नॉट जस्ट प्योरली the art of carving, it's also how that temple was built and how it is designed. And there is one, obviously the most famous temple of South India, jisme there is a 65 ton pillar jo Tanjavur mein hai.
वो कैसे आप जाके यू हैव गॉन एंड पुट इट ऑन टॉप ऑफ दैट 65 टन मतलब इट्स क्रेजी एंड बट आर हमारे पूर्वजों ने किया, हमारे एंसेस्टर्स ने किया. मेरे पॉडकास्ट पे ना एक दिन अजय सेठिया जी आए थे, उनकी बुक है गॉड ऑफ गॉड इज अ मिथ. तो उसमें हमारा डिस्कशन चल रहा था, जो हम कहते हैं कि यार पहले सतयुग आया, फिर त्रेता सतयुग, फिर त्रेता युग, फिर द्वापर युग, फिर कलयुग. सो ही वाज एक्सप्लेनिंग कि नहीं ऐसा नहीं था. ही सेड कि सारे युग ना वेव फॉर्म में, लाइक इन अ वेव फॉर्म. तो अगर आप देखें तो हर युग अपने एक पीक पे पहुंचता है. तो ही सेड कि जब आप अपना सतयुग के पीक पे पहुंचे तो उस टाइम पे टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस थी, देन उस टेक्नोलॉजी के कारण ही कुछ प्रॉब्लम्स हुई एंड इट केम डाउन, देन फिर वहां से फिर स्टार्ट होता है. अगर आप युगों का भी पढ़ा तो डस्क एंड डॉन दोनों आते हैं इस युग में. तो हर युग अपने आप में ऊपर पहुंचता है. तो मे बी जो हम द्वापर युग या त्रेता युग कहते हैं या ये स्ट्रक्चर्स की हम जो बात करते हैं, ये उन पर्टिकुलर युगों के पीक पॉइंट्स का पार्ट थे जहां पर टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस थी. जैसे हम कहते हैं कि यार रावण के पास वो विमान था, पुष्पक विमान था, बिकॉज द टेक्नोलॉजी वॉज ऑन दैट लेवल. फिर वो टेक्नोलॉजी डाउन गई. अभी जैसे हम आज की डेट में उनके कंसेप्ट के हिसाब से आज की डेट में हम वी आर हम कलयुग में नहीं है, हम द्वापर युग में. सो आई सिंस यू मेंशनड दिस, मैं इसके बारे में कोई चैप्टर नहीं है बट इसको मैंने अपने इनिशियल इंट्रोडक्शन में लिखा है. वेस्टर्न साइंस और वेस्टर्न आर्किटेक्चर, हर कोई सोचता है ये जो वेस्टर्न है ये सारे सारी साइंस इनके थ्रू है. तो हमारी रामायण में ना, आपने पुष्पक विमान की बात छेड़ी तो आप हैरान होगे कि किस टाइम पे साइंटिस्ट को पता चला कि सूरज वॉज द सेंटर ऑफ द यूनिवर्स, ऑफ द सोलर सिस्टम, नॉट यूनिवर्स, सोलर सिस्टम, और धरती उसके गोल गोल चक्कर काट रही है. तो ये 1500 में गैलीलियो ने टेलीस्कोप डिस्कवर किया. लोगों को पता चला गैलीलियो को फांसी भी इसीलिए दी गई थी क्योंकि उन्होंने बोला था ये बात. उसके उसके पीछे रीजन क्या था कि जो क्रिश्चियन थे उनकी जो थियोरी थी, जो चर्च था या वेटिकन था, उनकी थियरी की थी अर्थ इज द सेंटर ऑफ द यूनिवर्स. गैलीलियो वाज टॉकिंग प्योरली फ्रॉम साइंस, ही वाज एस्ट्रोनॉमर एंड द फर्स्ट पर्सन टू फाइंड इवन सैटर्न्स रिंग्स, डिस्कवरिंग ऑल द प्लैनेट्स, ऑल दैट इज थैंक्स टू हिम. लेकिन उसने तो 400-500 साल पहले डिस्कवर किया है. ये जो पुष्पक विमानम की आप बात कर रहे हो, जो रामायण में है, उसमें मैंने अपनी किताब में मेंशन किया है कि सीता जी राम को पूछ रही है जब वो पुष्पक विमानम में दिन में फ्लाई करके आ रहे हैं कि मेरे को तारे क्यों नजर आ रहे हैं दिन में. सो द पुष्पक विमानम हैड गॉन टू सच अ हाइट वेयर इट वेंट स्लाइटली अबव द हायर साइज ऑफ द एटमॉस्फेयर एंड शी कुड सी द स्टार्स एंड देन राम टोल्ड हर दैट द सन इज अ वेरी ब्राइट स्टार, उसकी लाइट इतनी ज्यादा होती है इसलिए तारे नहीं दिखते. ये हमारी रामायण में लिखा हुआ है विच इज सपोज टू बी 12,000 BC. बीसी का कंसेप्ट भी गलत है, देखा है तो 1,00,000 साल से ऊपर है. हमारा द्वापर युगी था लगभग कितना, 1,84,000. मैं उस डायरेक्शन में नहीं जाना चाहता बिकॉज इट्स अ साइंस बेस्ड युग एंड आई वेरी स्ट्रांगली बिलीव इन माय कल्चर इन द कंट्री. आई एम जस्ट गोइंग वेद में लिखा है, टेक्स्ट में ये लिखा है, तो मैं एन एस्टिमेट यही कहा जाता है. सर मैंने एक वीडियो बनाया हुआ इस पर जी, जब हम कहते हैं कि न्यूटन ने ग्रेविटेशन के 3 लॉ दिए है. मेरा पूरा डिटेल वीडियो है, जो लोग मेरा चैनल फॉलो करते हैं आप जाके नीचे सर्च करोगे आपको ब्लफ मास्टर न्यूटन के नाम से मिल जाएगा. अच्छा. तो अगर हमारी जो वेदों में आप पढ़ें तो वेदों में बकायदा 3 श्लोक हैं संस्कृत में. उन 3 श्लोकों का अगर आप अनुवाद करें इंग्लिश में तो दे एग्जैक्टली मैचेस विद द 3 ग्रेविटेशनल लॉज, एग्जैक्टली मैचेस. अच्छा, इसमें मैं आपको एक बात बताऊं एंड इसमें एक फैक्ट और भी है, प्लीज. न्यूटन वॉज वेरी गुड इन संस्कृत. अच्छा. यस. आई डिड नॉट नो दैट. नहीं बट इसमें आई वुड स्लाइटली कॉन्ट्रडिक्ट यू ओनली फॉर वन रीजन. मैं थोड़ा सा और रिसर्च कर रहा था इसी टॉपिक पे. तो इस पे डॉक्यूमेंटेड प्रूफ है कि 14th century में, नॉट वेरी फार अवे, नॉट वे, जब हम ज्यादातर बोलते हैं वी आर टॉकिंग थाउजेंड्स ऑफ इयर्स बैक. तो जस्ट 14th century विच इज 2-3 centuries बिफोर न्यूटन, देर इज अ केरला स्कूल विच एक्चुअली फॉर्मुलेटेड द सेम लॉज. वो केरला स्कूल वाला ही मैं आपको बता रहा हूँ. okay. बुक है, उस बुक का नाम मैं भी याद नहीं, काल चक्कर समथिंग लाइक दैट. ओके. वो जो उन्होंने इसमें लिखा हुआ है, दे एक्चुअली, क्योंकि वेद क्या होते थे, मौखिक होते थे, बोले जाते थे. राइट. सो दे हैव एक्चुअली उन श्लोकों को दे हैव रिटन इट इनटू. ओके. और वो रिटन प्रूफ 14th century मच बिफोर न्यूटन. हाँ. और कहते हैं कि भाई जब न्यूटन ने ये सब डिस्कवर किया तो उस टाइम प्लेग फैला हुआ था. तो न्यूटन वॉज लाइक अंडरग्राउंड, वो एक घर में बंद थे फॉर मेनी 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 डेज.
और वहां पर उन्होंने काफी पढ़ाई करी काफी सोची, देन ही गॉट द थॉट ऑफ दिस थ्री लॉस। मुझे लगता है कि उन्होंने सारे वेद वेद पढ़ डाले थे उस टाइम बैठ के। विल नॉट गो इन दैट डायरेक्शन, बट जैसे मैंने कहा, अगर हम अपनी रामायण को देखते हैं तो देयर इज समबडी, हमारे तो लॉर्ड राम है, तो राम जी ने उसमें, और राम जी तो चलो उनके बारे में ना, वी आर सेइंग वेद व्यास एक्चुअली रोट रामायण, तो वेद व्यास वाज एबल टू राइट अबाउट दिस की यू नो, सो ही हैड दैट नॉलेज की ये है, अपार्ट फ्रॉम द रामानुजम के बारे में थोड़ा सा, रामानुजम जी के बारे में बताएं क्या बोले यार इनके बारे में, मतलब एक्सेप्शनल चाइल्ड, लव मैथमेटिक्स, नो फॉर्मल एजुकेशन, फ्रॉम अ वेरी पुअर फैमिली, सैडली, वेरी सैडली उनके बहुत सारे फॉर्मूले ना कार्डबोर्ड के बॉक्सेस के ऊपर, जो उनको कागज मिल गया, स्क्रैप मिल गया, उसके ऊपर लिखे हुए कहीं पड़े हुए हैं या गुम हैं। ही वॉज नॉट गिवन एनी क्रेडिट बाय इंडिया, द इंडियन हायर मैथमेटिक्स और साइंस स्कूल्स। हिज लाइफ चेंज्ड व्हेन ही अप्रोच्ड टी एच हार्डी, वॉज अ वेरी फेमस मैथमेटिक्स प्रोफेसर फ्रॉम कैम्ब्रिज। उन्होंने इनको फिर वहां इन्वाइट किया यूके में, आफ्टर ही वॉज एस्टाउंडेड बाय हिज इक्वेशंस एंड ऑल दैट। एंड रामानुजन ने वहां जाके, एंड ही वॉज बेली देयर फॉर 5 or 6 years, उन 5-6 सालों में ऐसी ऐसी उन्होंने गिफ्ट दी है मैनकाइंड को, एंड ही डाइड एट द वेरी यंग एज ऑफ 32 एंड इन 1920। सो टू काइंड ऑफ ग्रास्प व्हाट रामानुजन वॉज, थॉमस हार्डी ने एक अगर मैथमेटिक की ब्रेन को नंबर दिया 1 to 100, तो उसने अपने आप को 20 दिए। उस टाइम का जो दुनिया का सबसे बड़ा मैथमेटिक प्रोफेसर था, ही वाज फ्रॉम जर्मनी, उसको उन्होंने 60 दिए और रामानुजन को उन्होंने 100 दिए। रामानुजन की इतनी सारी थियोरीज है विच द वर्ल्ड कुड नॉट सॉल्व दोज इक्वेशंस, ही हैज गिवन 3200 इक्वेशंस एंड वेरियस स्टेट्स, जो अभी जाके कुछ तो 1973 में कोई प्रूव कर पाया कि जो इन्होंने बोला इसका मतलब ये है। उनकी जो सम थियोरीज वर देयर, दे आर बीइंग यूज्ड नाउ इन क्रिप्टोलॉजी, जो अभी क्रिप्टोलॉजी, जिसमें आपकी साइबर सिक्योरिटी भी आ जाएगी। सो क्रिप्टिक, क्रिप्टिक इज वेरी हाई एंड मैथमेटिक्स। तो ये सब उन्होंने 100 साल पहले दी हुई है। ही वॉज द फर्स्ट पर्सन इंडिया से ट्रिनिटी कॉलेज के फेलो अपॉइंट किए गए, कैम्ब्रिज में अपॉइंट किए गए, एंड सैडली उनको नोबेल प्राइज नहीं मिला जो उनको मिलना चाहिए था, बट वॉट इनफैक्ट आई विल बी ग्रेटफुल टू यू इफ यू कैन एड, जेफ बेजोस ने उन रामानुजन के ऊपर एक छोटा सा टॉक दिया है कि हाउ ग्रेट ही वॉज, सो दैट विल गिव यू एन आइडिया कि वो क्या थे। तो ही हैड टू बी इन माई बुक डेफिनेटली। ना ऐसे मैं तो इनको अनसंग हीरोज बोलता हूँ, मतलब अगर मैं आज के जनरेशन में किसी जाके पूछ लूँ किसी बच्चे से कि यार कौन थे रामानुजन, पता ही नहीं होगा। हम चाहे उनको पढ़ाते ही नहीं है स्कूल्स में, या वो एजुकेशन लेवल उस पता नहीं क्यों नहीं हम करते। तो इस बुक को मैंने स्ट्रक्चर ऐसे किया है कि एक मैंने पास्ट ले लिया, जिसमें जैसे ये वाली बातें बोली हैं, जो ज्यादातर हमारे स्ट्रक्चर्स में, हमारे कंस्ट्रक्शन में वहां से आती है, प्लस यू नो प्लास्टिक सर्जरी, सर्जरी सारी वो बीइंग डन बाय शुराष्ट्रा 2-3 हजार साल पहले। यू विल बी सरप्राइज, ऑस्ट्रेलिया में हॉस्पिटल्स के सामने उनका स्टैचू लगाया हुआ है। सीरियसली, ही इज रिकॉग्नाइज्ड इन द फील्ड ऑफ मेडिसिन अक्रॉस द वर्ल्ड एज द फादर ऑफ मॉडर्न मेडिसिन, शुराष्ट्रा। हाँ, ही इज देयर इन द बुक। और प्लास्टिक सर्जरी की हुई है, उनकी फोटोज है, वो बकायदा ऋषि है, दाढ़ी है। इंडिया में तो कई मूर्ति है नहीं, I would not like to comment on that, but यही तो मैं निकालना चाहता हूँ, यही तो मैं शेयर करना चाहता हूँ कि इनको हमने रिकॉग्नाइज ही नहीं किया। तो फ्रॉम द ग्रेट्स, आर्यभट्टा से है शुरू किताब अगर आप देखें, जो जीरो से लेके, जीरो से ही मैथ्स शुरू होती है, और वहां से लेके आज से करीबन 100 साल पहले, इन द लास्ट स्टार्टिंग ऑफ लास्ट सेंचुरी, इंडिया ने इतने ब्रिलियंट साइंटिस्ट दिए हैं। एक आपने मेंशन किया साहा इक्वेशन, अरे सर अबाउट कॉस्मोलॉजी एंड एस्ट्रोफिजिक्स। सर आप ये सोचो कि मैं यहां बैठ के अगर आज से 100 साल पहले ये कैलकुलेशन कर रहा होता कि हाँ यार यहाँ पे टेम्परेचर प्रेशर ऐसा है और गर्मियों में ज्यादा होना चाहिए, यहाँ कम होना चाहिए सर्दियों में,
और ये साहा जी अगेन अ ग्रेट माइंड, ही गोज इन 1920 ही गेव, इन्होंने एक थ्योरी निकाली जिसमें कॉस्मोलॉजी में तारों में कितना प्रेशर और टेम्परेचर होता है एंड हाउ इट बिहेव्स, वो उसमें उन्होंने उसकी इक्वेशन लिखी थी. इनफैक्ट आई विल जस्ट शेयर क्योंकि इट्स अ लिटिल बिट टेक्निकल, बट ही वाज मेघानंद साहा एंड 1920 में इनकी साहा इक्वेशन आई थी ऑन एस्ट्रोफिजिक्स एंड कॉस्मोलॉजी. सो इनकी जो फॉर्मूला है उससे वो स्टार का टेम्परेचर प्रेशर केमिकल कॉम्पोजिशन दे कैन फाइंड आउट बाय ऑब्जर्विंग इट्स स्पेक्ट्रम एंड कंपेयरिंग बिटवीन द ऑब्जर्व स्पेक्ट्रम एंड द थियोरेटिकल स्पेक्ट्रम बाय द साहा इक्वेशन. ये आज से 100 साल पहले हमारे साइंटिस्ट ने की हुई है. नोबडी टॉक्स अबाउट इट. सोचते हैं एस्ट्रोफिजिक्स सारे जो है बाहरी है, ऐसा कुछ नहीं है. द ग्रेटेस्ट माइंड्स आर हियर और वर हियर इन इंडिया. वो ये कि इनको ना कोई लाइमलाइट में लाया नहीं, लाया नहीं. एक और मैं कहना चाहूंगा, उसके बिना अधूरी रहेगी हमारी, वो सीवी रमन. वो तो रमन का जो लाइट इफेक्ट था 1930 में उनको नोबेल प्राइज दिया गया उसके. सर एक और बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक जो आपकी बुक में होता है, आर्टिफिशियल ग्लेशियर, ये क्या चीज है? भारत में बहुत सालों तक अलग अलग एरिया में एग्रीकल्चर के लिए बहुत दिक्कत रही है. कुछ एरियाज हैं जहां बारिश ही नहीं होती. तो लद्दाख इज वन सच प्लेस जहां उसका जिस तरह लद्दाख का लोकेशन है उधर बारिश नहीं होती. सो इट इज कोल्ड, कोल्ड इट इज बैरन. लद्दाख जो गए हैं उनको पता है वहां पे कोई खेती नहीं है, कुछ नहीं है. सर्दियों में जस्ट गेट्स टू कोल्ड, गर्मियों में देयर इज नथिंग. सो दी वन ऑफ द साइंटिस्ट फ्रॉम लद्दाख डिसाइडेड टू डू समथिंग अबाउट इट. तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने आर्टिफिशियल ग्लेशियर बनाए जिसमें उन्होंने पानी को डाइवर्ट करके फ्रीज किया विंटर्स में. ग्लेशियर आपको पता है वो इट्स लाइक अ वेरी एक्सपेंडेड लॉन्ग एरिया, और वो जब मेल्ट होता है तो उससे पानी निकलता है. हमारी जो जैसे गंगोत्री एरिया, तो वहां वो ग्लेशियर है जो पिघल के वहां गंगा मैया शुरू होती है. तो वैसे ही लद्दाख में इन्होंने ये आर्टिफिशियली क्रिएट किए. और इसमें इनका नाम मैं अभी आपको बताऊंगा. उनके जो फॉलो ऑन साइंटिस्ट थे हु इज वेरी फेमस बिकॉज ऑफ द मूवी फुनचुक वांगडू, चुक वांगडू पिक्चर में, बट ही इज नॉट चुक वांगडू. ही बेसिकली व्हाट ही डिड इज दैट, सी दिस वाज द आर्टिफिशियल ग्लेशियर वाज डन बाय चेवांग नॉर्फेल. Okay. And जो उनके फॉलो ऑन थे, he was Sonam Wangchuk. Sonam Wangchuk. So he was obviously immortalized in the movie Three Idiots as a brilliant scientist. लेकिन Sonam Wangchuk ने क्या किया, जो उनके आर्टिफिशियल ग्लेशियर में कमियां थी, फॉर एग्जाम्पल सनलाइट ज्यादा आती है तो जल्दी मेल्ट हो जाता है, तो उन्होंने उसके ऊपर उसके वर्टिकल स्ट्रक्चर्स बनाए और एक कोनिकल उसको कैपिंग दी ताकि स्लोली मेल्ट हो. दिस कॉज्ड वाटर टू बी अवेलेबल टू पीपल फ्रॉम लद्दाख. एंड जहां पानी आता है जो क्वालिटी ऑफ लाइफ स्टाइल सडनली विल लाइक यू नो गो अप. अभी ये वहां पे यूज होते हैं, एग्रीकल्चर गवर्नमेंट गवर्नमेंट यूज करती है इनको, कि वजह रिसर्च करके रख दिए गए बस. नहीं नहीं नहीं, दे यूज इट बट टू अ सर्टेन एक्सटेंट, नॉट नॉट वेरी, नॉट टू द एक्सटेंट दैट दे वुड लाइक, बट इट इज डेफिनेटली यूज्ड. दे यूज इट फॉर डोमेस्टिक कंजम्पशन, कैटल कैन हैव वाटर, योर एग्रीकल्चर. तो पानी के बिना आप सोचो जीवन क्या है. तो लद्दाख में पानी लाने वाले यही दो हैं, चेवांग नॉर्फेल एंड सोनम वांगचुक. तो गवर्नमेंट इसके कुछ कर नहीं रही और इनको बढ़ाने के लिए? नहीं, इनको बकायदा उनसे बैकअप मिला होगा गवर्नमेंट, गवर्नमेंट से बैकअप मिला. सो अनदर थिंग व्हिच कम्स इज, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब मुझे नहीं लगता किसी भी व्यूअर को पता होगा कि इंडिया का देन है पेंटियम माइक्रो प्रोसेसर. मतलब पेंटियम, मतलब हम तो ये समझते कि यार इसमें ना मैं क्या बताऊं, अगर जो कंप्यूटर है एंड द फर्स्ट कंप्यूटर्स व्हिच केम आउट वर लाइक बाय एप्पल मैकिंटोश और विंडोज जो माइक्रोसॉफ्ट के थे, तो इन द लेट 80s व्हाट स्टार्टेड हैपनिंग इज सॉफ्टवेयर इंक्रीज स्टार्टेड, कंप्यूटर यूसेज इंक्रीज स्टार्टेड, पर प्रोसेसिंग के लिए कुछ नहीं था. तो वहां पे एन इंडियन इंजीनियर हु वाज लीडिंग द टीम एट इंटेल
He is the one who created Pentium microprocessors. तो जितनी शुरू के कंप्यूटर अगर आपको याद होंगे वो हर लैपटॉप या कंप्यूटर पे एक स्टिकर लगा होता था Intel inside. Intel inside. That was the heart. That was the life of the because जो कंप्यूटिंग कर रहा है वो चिप कर रहा है. आज भी लिखा होता है जनरली में तो Intel. And this is Vinod Dham. What a brain. And मतलब Bill Gates हो मतलब we are used to talking about अरे Bill Gates अरे Apple का जो ओनर है वो and बॉस इनके जो डिवाइसेस थे वो चलाने वाला था वो इंडियन था विनोद धाम एंड विनोद धाम एंड सरप्राइजिंगली अनदर थिंग नोबडी नोज अबाउट हिम पेंटियम चिप वाज द ओनली चिप व्हिच वाज अवेलेबल एट दैट टाइम तो इन्होंने फिर जाके एएमडी ज्वाइन किया और एएमडी में इन्होंने प्रोसेसर K6 का आविष्कार इन्होंने किया व्हिच वाज इवन फास्टर देन द पेंटियम So both AMD ke processors or Intel ke processors is just thanks to this man. Great. Sir, जब भी कभी roads की बात होती है, तो जापान की जरूर बात होती है कि जापान की roads बहुत अच्छी हैं, जापान में roads बहुत fast बन जाती हैं। आपकी book में पढ़ने का पता चलता है कि यार plastic roads ये सबसे पहले India में बनी है। It's an invention of India. True, true. इसके बारे में थोड़ा audience को ज्ञान दिया जाए। आज का ज्ञान वाला ज्यादा पॉडकास्ट है इसमें एक केमिस्ट्री के प्रोफेसर हैं फ्रॉम तमिलनाडु ही वाज वेरी कंसर्न्ड अबाउट द प्लास्टिक वेस्ट व्हिच इज देयर इन द व्हिच इज गेटिंग यू नो कंटीन्यूअसली गेटिंग जनरेटेड इन द कंट्री और सी और एंड बीइंग अ केमिकल केमिस्ट्री प्रोफेसर ही एक्चुअली इन्होंने रिसर्च किया और आविष्कार किया और इन्होंने एक प्लास्टिक की रोड बनाई बेसिकली क्या होता है जो रोड बनती है हमारी उसमें टार बिटुमिन इज द मेन थिंग व्हिच इज यूज्ड टू बाइंड एवरीथिंग ब्रिंग एवरीथिंग टुगेदर तो ही सेड ही रिप्लेस्ड बिटुमिन विद प्लास्टिक प्लास्टिक व्हिच वाज फ्रॉम जनरल वेस्ट प्लास्टिक ही डिड नॉट इन्वेंट सम प्लास्टिक इन द लैब ही यूज्ड द वेस्ट प्लास्टिक कन्वर्टेड इट टू बीइंग यूजेबल फॉर मेकिंग अ रोड और उससे उन्होंने एक 60 फुट की रोड अपने टाउन में बनाई And that then went flashed everywhere. It went up right up to the Prime Minister, Honorable Abdul Kalam. And then everybody looked at it. And till date, kareeb 7,000 kilometers of roads, plastic roads have been made. Using waste plastic in India. Nitin Gadkari saab kar rahe honge. Sorry? Nitin Gadkari ji kar rahe honge. Nee, main naam nahi le sakta. Kisne kiya hai? Main keh raha hu till date itna hua hai. Toh Nitin Gadkari ji obviously being a रोड्स मिनिस्टर तो उनका भी उसमें वो होगा 7,000 शायद पुराना डेटा हो बट जहां तक मेरे को पता है 7,000 तक तो हो गया था मैंने अभी तक कहीं देखी नहीं अक्रॉस द कंट्रीज शायद पता नहीं पड़ता होगा ग्रेट मे बी दे शुड रेगुलेट दिस टू मेक इट मोर पॉपुलर एंड यूज इंक्रीज द नंबर रोड्स फॉर प्लास्टिक हमारे एनसीआर का वो गाजियाबाद का पहाड़ नीचे आ जाएगा आई थिंक वही देश के लिए काफी है वही काफी है सर अगला जो एक है आपका सिक्स सेंस रेवोल्यूशन प्रणव मिस्त्री जी का ये सिक्स सेंस रेवोल्यूशन है क्या पहले ये बताओ तो सर बहुत टाइम के लिए ना मतलब आप चलो मैं आपको एक मजे की बात बताऊं जब कंप्यूटर्स शुरू हुए थे ना तो कंप्यूटर्स की सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो इन्वेंटर्स को आ रही थी वो ये थी कंप्यूटर के साथ ह्यूमन और कंप्यूटर के बीच में इंटरेक्शन कैसे हो तो आप मानोगे नहीं कि सबसे पहला जो माउस डिवाइस किया गया था वो जेरोक्स की एक रिसर्च लैब ने बनाया था ओके बट देयर टीम डिड नॉट अप्रिशिएट इट दे इनफैक्ट वर लाफिंग ऑन दैट व्हाट्स अ माउस सो इट वाज जनरली समबडी कॉल्ड इट अ माउस माउस एंड अ कीबोर्ड दीज आर द टू थिंग्स यूज्ड टू इंटरैक्ट विद द कंप्यूटर वो माउस को फिर चुराया गया बाय एप्पल स्टीव जॉब्स और स्टीव जॉब्स का टेक्नोलॉजी वाज स्टोलन बाय इंटरफेस तक तो सिक्स और ये एक लिमिट हो गई थी मतलब और कैसे कर सके हाउ डू वी कम्युनिकेट विद द कंप्यूटर तो 2009 में ही प्रणव मिस्त्री केम अप विद सिक्स सेंस इन विच ही बेसिकली यूज्ड अ गैजेट जिसमें एलोरगन थे कैमरास थे एंड जेस्चर कंट्रोल ये लेके आए okay. जो कंप्यूटर के सामने जेस्चर है ये इतनी कारों में आप देखते हो बीएमडब्ल्यू में कहता है वॉल्यूम बढ़ा दो ऐसे बढ़ा दिया ऐसे कम कर दिया स्क्रीन एक्सपैंड कर दो
ये फिंगरप्रिंट, ये सारा सिक्स सेंस है। ओके, ये पूरी जो टच है आप, ये प्रणव मिस्त्री की देन है। ओके, जो टच की हम मोबाइल यूज करते हैं, दिस इंस्पायर्ड बाय इट ना, कुड बी इंस्पायर्ड बाय इट, बट दैट टच इंटरफेस केम बाय हिम थ्रू हिम। यू कुड हैव अ गैजेट एंड यू नो, किसी को पता था ये बात, अगर अगर आपको नहीं पता था ना, कमेंट बॉक्स में डालना, और पता था तो भी डालना, देखा तो कितने लोगों को बात पता थी, और कितने इन्वेंशन की हम बात कर रहे हैं इनके बारे में कमेंट जरूर करना, कौन कौन से इन्वेंशन आपको पता थे। एक और बड़ा अच्छा है, स्मार्ट गॉगल्स फॉर ब्लाइंड, मैंने गूगल ग्लासेस तो सुने हैं मैंने। मैं पहले ना थोड़ा कंप्यूटर पे खत्म कर दूं। ठीक है बिल्कुल सर, कंटिन्यू। आप हैरान हो जाओगे, वाईफाई टेक्नोलॉजी का आविष्कार एक इंडियन ने किया। ओके, जो वाईफाई आप सारे यूज कर रहे हो उसका आविष्कार मीमो टेक्नोलॉजी थी, उसका आविष्कार भी एक इंडियन ने किया है। आपको इस पर्टिकुलर जनरेशन को तो बिल्कुल याद नहीं होगा, आज से पहले 10-15-20 साल पहले लैपटॉप इतने नहीं थे, या अगर थे भी तो डेस्कटॉप और लैपटॉप में ना 4-5 तरीके की अलग अलग तारें आती थी, 12 पिन, 16 पिन, 5 पिन, 7 पिन के वो अलग अलग वो लगते थे, तबाह के तारे लगी होती थी किसी भी डेस्कटॉप कंप्यूटर में। आजकल वो तारे कहीं नहीं है, क्योंकि आप एक ही चीज यूज करते हो, वो है यूएसबी। यूएसबी उसका आविष्कार भी एक इंडियन ने किया है। अच्छा, वो कौन थे? मेरे में एक कमी है, वो मेरे को नाम याद नहीं रहते, तो प्लीज एक्सक्यूज मी, मैं जरा। कोई बात नहीं, इतने सारे आपने इन्वेंशंस बताए हैं तो नाम कहाँ याद रहेंगे सब। हाँ, थोड़ा सा वो लोगों को इन्वेंशंस ही नहीं पता, आपको तो कम से कम एटलीस्ट इन्वेंशंस पता है। तो यूएसबी वाज बाय अजय भट्ट। ओके, यू विल बी सरप्राइज, अजय भट्ट हैज गॉट 132 यूएस पेटेंट्स। 132 वो भी यूएस के पेटेंट्स, व्हिच आर वेरी डिफिकल्ट टू गेट। And he is 2013 winner of European Inventor Award. मतलब CNN Business कहता है he is the co-inventor of USB, a technology that provides simple and universal way of transferring data. India Today इनके बारे में कहता है कि he didn't take a single penny out of his invention, and he said it's perfectly okay. He didn't want to do this for money. He wanted to bring a change to the world of innovations. ये Indians हैं जो आप जानते ही नहीं। तो ये मैं जरूर इन दोनों के बारे में कहना चाहता था, अबाउट बोथ द वाईफाई एंड द यूएसबी। ग्रेट सर, अब गूगल पे आ जाते हैं, ब्लाइंड्स के लिए, गूगल फॉर द ब्लाइंड। ये ना बड़ी हैरान करने वाली बात है, अगर हम एक पर्सपेक्टिव लेके चल रहे हैं जहां हम सिर्फ अपने पास्ट की बात करें और कहें कि 100 साल पहले वी हैड सम ब्रिलियंट साइंटिस्ट, ये क्योंकि समय कम है और हम ज्यादा डिटेल में नहीं जा सकते। नहीं सर, आप जो शुरू के तीन है उनके साथ 10 और साइंटिस्ट है, वो ग्रेट। मतलब पहला प्लेन एक इंडियन ने उड़ाया था, राइट ब्रदर्स ने नहीं उड़ाया था, आई एम सेइंग दिस ऑन रिकॉर्ड। इसके ऊपर एक पिक्चर बनी हुई है, इसके ऊपर इट इज देयर कैटेगराइज्ड इन द बुक। एक मराठी बच्चे ने पहला प्लेन उड़ाया था, वो भी बॉम्बे के चौपाटी बीच पे, दैट वॉज फुल्ली फंडेड बाय द महाराजा ऑफ बड़ौदा। लेकिन ब्रिटिशर्स ने ये आविष्कार आगे आने ही नहीं दिया, उन्होंने मीडिया को कंट्रोल किया हुआ था। तो अगर हम 100 साल पीछे चले जाते हैं और एक से एक आविष्कार हम देखते हैं, फाइबर ऑप्टिक्स जो आजकल बड़ी कमाल, वो एक इंडियन ने, एक सरदार जी ने इन्वेंट किया था, कल्पानी। अच्छा, ही इन्वेंटेड फाइबर ऑप्टिक्स जिसपे पूरी दुनिया चल रही है, ऑल दिस इंटरनेट की जो कनेक्टिविटी अंडर द ओशन है, आपके सारे घरों में जो फाइबर ऑप्टिक लगा हुआ है जिससे आप अपना वाईफाई चला रहे हो, अपना डीटीएच चला रहे हो, ये सारा एक इंडियन ने इन्वेंट किया था। ग्रेट, सो अगर हम वहां चले गए 100 साल तो हमको ये 10-15 ग्रेट माइंड्स मिल जाते हैं। और अब मैं अगर इस सेंचुरी में आता हूं तो मैं हैरान हूं हमारे जो यंग बच्चे हैं, टीनेजर्स, द थिंग्स दैट दे आर इन्वेंटिंग इज एस्टाउंडिंग। उनमें से एक ये स्मार्ट गॉगल है। और हैरान करने वाली बात है कि किसी ने इसके बारे में सोचा ही नहीं है। वी हैव इन द वेस्ट द बिगेस्ट कंपनीज, द स्मार्टेस्ट पीपल। एक इंडिया का बच्चा सडनली डिसाइड्स कि वो एक लड़की को मिलता है ना फेयर, और वो लड़की ब्लाइंड थी और अपने बारे में बात कर रही थी, इसने कहा मेरे को इसके लिए कुछ करना चाहिए, एंड उसने एक गॉगल बनाया। इट हैज गॉट सेंसर्स, इट इज हैविंग, ही रोट द कोड फॉर इट, दिस इज अ टीनेजर, ही रोट द कोड फॉर इट, इट हैज गॉट सेंसर्स एंड इट, ही सेइंग अगर डॉल्फिन्स और व्हेल्स, हाउ डू दे सेंस अंडर द वॉटर, तो दे यूज समथिंग लाइक अ सोनार मैकेनिज्म, जो हमारी सबमरीन्स भी करती है। हाँ, बिल्कुल। वो वाला उसने गॉगल में लगाया कि कोई ब्लाइंड आदमी अगर चश्मा पहना हुआ है तो उसको इंफ्रारेड
और यूवी दोनों सेंसर्स पहने हुए हैं जिससे यू कैन सेंस कोई पास है दूर है बाय व्हाट यू कॉल वाइब्रेटर्स एंड मोशन टेक. दिस इज स्मार्ट गॉगल्स एंड बच्चे का नाम मैं जरूर लेना चाहूंगा. दिस आर अवेलेबल इन मार्केट. इट्स व्हाट यू कॉल नॉट फुल्ली अवेलेबल बट द इन्वेंशन हैज बीन डन. सो दिस गाय या हिज नेम इज अनंत तदार. ही इज फ्रॉम अरुणाचल प्रदेश and this device is called G4B. G4B means goggles for blind. And when he invented this, he was 16 years old. Just 16. Try to imagine what a brilliant guy. 16 साल के बच्चे ने एक device use किया है, जिसमें he has got a nano microcontroller, ultrasonic sensors, battery, buzzer, and a pair of sunglasses. गजब. मतलब क्या है इस देश में, क्या potential है इस देश? Seriously sir. वही मैंने ना मतलब बहुत जो मुझे बहुत यूनिक इन्वेंशंस लगे ना मैंने वो सर्कल मार्क कर रखे थे. अच्छा अच्छा. सो दैट आई कैन आस्क यू फील फ्री. जब भी हम सैटेलाइट्स की बात करते हैं तो आजकल बात आती है इलॉन मस्क की कि उन्होंने सैटेलाइट्स का जाल बना दिया है. right. मैंने भी एक वीडियो बनाया जहाँ पे कि छोटी छोटी सैटेलाइट्स जैसे साइड ऑफ साइज ऑफ ए ब्रेड लोफ उतनी साइज की ब्रेड स्टारलिंग तो इनका हो गया. एक अनदर कंपनी है जिन्होंने ब्रेड लोफ साइज की ऑलमोस्ट 5,000-50,000 सैटेलाइट्स भेज रखी हैं ऊपर स्काई में. नाउ आपने बात करी है वर्ल्ड स्मॉलेस्ट सैटेलाइट्स कलाम सैट क्या इसके बारे में बताओ थोड़ा. मतलब हमें तो भी पता था कि इलॉन मस्क की सैटेलाइट्स के गुरु हैं सर. सबसे पहले तो वी हैव टू बी वेरी प्राउड ऑफ इंडियाज स्टेचर इन द स्पेस टेक्नोलॉजी. देखो इंडिया बाय नेचर हमने पास्ट भी अगर जाओगे ना इंडिया ने कभी बाहर जाके किसी देश पे आक्रमण नहीं किया. वी आर कंटेंट बाय आर सेल्व्स एंड इवन आर स्पेस टेक इज बेसिकली वर्किंग ओनली फॉर द कंट्री. इलॉन मस्क इज इंटरेस्टेड इन ग्लोबलाइजिंग एवरीथिंग एंड हैविंग सम सॉर्ट ऑफ अ ग्लोबल कंट्रोल. सो दैट्स व्हाई ही इज पुटिंग अ नेटवर्क ऑल अराउंड द वर्ल्ड. इंडिया को ऐसी एम्बिशंस नहीं है. अगर करना चाहे तो बहुत आराम से कर सकता है. Our satellite technology is on par with the best. अब talking of Kalamsat is ये भी एक teenager बच्चा था, school का बच्चा, 14 years old. Okay. 14 years old participated in a NASA program where NASA wanted to experiment with small nanotech satellites. तो इस बच्चे ने एक satellite बनाई, which was recognized by NASA. And in the name of the Honorable President Kalam Saab, he called it Kalamsat. So his name is Rifat Shahrukh. इसने और इसकी टीम ने इसका आविष्कार किया था. 14 साल का था ये जब इसने इसका आविष्कार किया था. You will not believe the size of this is 4 centimeters cube. 4 centimeters की सैटेलाइट है. Great. और उसका वेट 64 ग्राम है. 100 ग्राम भी नहीं है. So, ये कब किया था उन्होंने? If you have the dates. सर ये 2017 में लॉन्च हुई थी. ओके. इट वाज सो दिस इज 22nd जून 2017. इक्वल टेस्ट लैब में बनाई गई है कि इट इज नाउ प्लेस्ड. सर टेस्ट इट वाज लॉन्च्ड ऑन अ रॉकेट. लॉन्च्ड. नासा ने इसको लॉन्च किया था 22 जून को और उसने 12 मिनट में अपनी टेस्टिंग कर ली. दे वर लुकिंग एट टेस्टिंग कार्बन फाइबर परफॉर्मेंस इन माइक्रोग्रेविटी एंड एक्सट्रीम कंडीशंस. And it also had a biological experiment to learn कि बीज स्पेस में कैसे बिहेव करते हैं. तो इसके अंदर उन्होंने थोड़े बीज डाले और कार्बन माइक्रोफाइबर्स के ऊपर they did testing. And the testing has been done. The purpose of the satellite is achieved. It was an experimental satellite. I wish कि इसरो इस पॉडकास्ट को सुन ले कोई and use this satellite for India. Why not? These things should have been done. अगला सर आजकल खूब बात होती है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की. हालांकि मेरा पर्सनल मानना है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आज का नहीं है, ये हमारे वेदों पुराणों के टाइम से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अवेलेबल है. तभी नारद मुनि एक गैलेक्सी से दूसरी गैलेक्सी में चुटकियों में चले जाते थे नारायण नारायण करते हुए. ये मेरा मानना है. फिर आपके इसमें एक इन्वेंशन की बात है जैन रोबोटिक अवार्ड विनिंग AI बेस्ड रोबोट. इसके बारे में थोड़ा बताएं सर. बहुत साल पहले ना आमिर खान का एक वो प्रोग्राम आते थे सत्यमेव जयते. सत्यमेव जयते में एक पर्टिकुलर प्रोग्राम आया था ऑन मैनुअल स्कैवेंजिंग. ओके. आए दिन आप न्यूज़पेपर में देख लो, मैं तो पढ़ता रहता हूं एंड इट इज वेरी सैड, इट हर्ट्स मी कि मैनुअल स्कैवेंजिंग वो हमारे लेबरर्स हैं जो नालियों में जाते हैं
सीवेज में जाते हैं एंड आप देखोगे हर महीने एक या दो बंदों की पास अवे बिकॉज इट्स अ वेरी टॉक्सिक एटमोसफियर। एंड आमिर खान ने ये डायलॉग बोला था एट द एंड ऑफ हिज प्रोग्राम कि मैं लुक फॉरवर्ड टू दैट डे व्हेन मैनुअल स्कैवेंजिंग एंड्स इन इंडिया, उसने ये बात उन्होंने ये बात बोली थी। तो ये एक केरला की कंपनी है जिन्होंने एक रोबोट बनाया है विच रन्स ऑन न्यूमेटिक पावर और इन्होंने 5-6 रोबोट्स बनाए। जो पहला वाला है ये कंपनी का नाम है जो जेन रोबोटिक है, इनके पहले रोबोट का नाम है बैंडीकूट। बैंडीकूट तो ये वाला रोबोट जो है इट हैज गॉट क्लॉज और ये न्यूमेटिक पावर से चलता है, इट इज कंट्रोल्ड बाय लाइक अ टैब विद अ कंट्रोलर और ये जाके स्कैवेंजिंग करता है। ओके तो लोगों को अब सीवेज टैंक्स के या नालियों के अंदर जाने की जरूरत नहीं है एंड इसका आविष्कार 5-6 साल पहले हुआ है और इन्होंने इसके साथ साथ ही इन्वेंटेड मेनी मोर अदर सिमिलर रोबोटिक्स। उनके नाम इन्होंने रखे हैं क्या कहते हैं जी क्रो, वाइल्ड बोर, जी बीटल, बैंडीकूट मिनी, मतलब एनिमल्स के पीछे। तो ये रोबोट्स का मेन काम है क्लीनिंग, गोइंग टू द प्लेसेस जहां ह्यूमंस के लिए अनसेफ है वहां पे आप इनको डालो और क्लीनिंग करो। एंड म्यूनिसिपल ऑर्गेनाइजेशंस अक्रॉस द कंट्री नीड टू हैव दीज जिसमें ये मतलब इसको क्लीनिंग कर सके या कहीं ऑब्स्ट्रक्शन हो तो ये रोबोट जा सकता है and it will do the cleaning. Complete robot है, crawl करता है, लेकिन cleaning करता है। Seriously, I want कि ये इतना हर जगह implement हो जाना चाहिए। बिल्कुल, बिल्कुल, पूरे देश में होना चाहिए। पूरे देश में होना चाहिए। I was just seeing, मैं कहीं news में सुन रहा था, मैंने कहीं पढ़ा कि अभी recently traffic police वालों को helmets दिए गए, which are having AC into it. जब गर्मी बहुत है, they can switch on the AC. Even शायद उनका जो jacket है, that is also AC. Right. तो that is one initiative, बहुत अच्छा लगा मुझे देख के। And this is another one which I'm saying कि really, yeah, this is something we should, which is required. ये एसी का पहले मैंने पढ़ा था जापान में कि जापान में पुलिस वालों के पास है, फिर इंडिया में मोस्ट प्रोबेबली मेरे ख्याल से गुजरात में आया है। गुजरात में दिया स्टार्टेड अप एंड आई थिंक आई वाज लिसनिंग ऑन रेडियो कि दिल्ली में भी टेस्टिंग चल रही है। यार सारे पुलिस वालों को मिलना चाहिए क्योंकि टेम्परेचर और ज्यादा हार्श होता जा रहा है। मेरे हिसाब से तो टेम्परेचर के साथ साथ उनको कुछ पॉल्यूशन कंट्रोल का भी देना चाहिए। जस्ट वेयरिंग अ मास्क इज नॉट सफिशिएंट क्योंकि वो दिन भर पॉल्यूशन में ही खड़े होते हैं। So it's very important for them also. And but this robotics thing is really, really very exciting. So another one is revolutionary E200 electric flying taxi. Flying taxi का मतलब बहुत सालों से नाम सुन रहे हैं कि उड़ने वाली टैक्सी आने वाली, उड़ने वाली गाड़ी आने वाली है। आपकी बुक में आके देखा मैंने क्या तो इन्वेंटेड हो चुकी है, वो भी इंडियन ने करी है। सर ये मेरे अगर आप प्रोटेस्ट करो फ्यूचर इन्वेंशन में आ रही है। Oh yes, sir. तो लेकिन ये आइडिया नहीं है, प्रोटोटाइप बन चुका है। इट इज समथिंग इंक्यूबेटेड बाय द इंक्यूबेटेड का मतलब इसका जो आइडिया था और इनिशियल प्रोटोटाइप वगैरह था वो IIT चेन्नई में किया गया था। E200 करके एक कंपनी है जो इसको लेके आई है, दे हैव गॉट द इनिशियल फंडिंग, IIT चेन्नई इसमें पार्टनर है और इट्स अ 2-man टैक्सी जो 4 पंखों के साथ चलती है और करीबन उसका कॉस्ट वो बता रहे हैं $2,00,000 है लेकिन 10 साल की लाइफ है और बैटरी से चलती है, कोई वाइब्रेशन नहीं है, already tested. So it's a matter of becoming mass and getting permission from the government. ये जितने traffic jam है, जितना है, आप इसमें बैठो और taxi की तरह चलाओ या the rich people can buy it to, you know, go from their apartment straight to their office without getting into the car. सर अगली चीज जो आपने फ्यूचर इन्वेंशन में दी है बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत यूजफुल चीज है मेरे हिसाब से, मतलब ये आ जाए तो बहुत बढ़िया चीज है, सेल्फ हीलिंग मोबाइल डिस्प्ले। सबसे ज्यादा मोबाइल डिस्प्ले टूट जाते हैं, मेरे तो आज भी टूटा पड़ा हुआ है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस कैलकटा, साइंस एंड रिसर्च कैलकटा एंड IIT खड़गपुर आई थिंक, इन दोनों ने मिलकर एक नया मटेरियल का आविष्कार किया है विच बेसिकली इज 10 times स्ट्रॉन्गर। आई थिंक वॉट इज बींग यूज नॉट इज इज गोरिल्ला ग्लास, वो फिर भी गोरिल्ला ग्लास टूट जाता है, टूट जाता है। And this is 10 times stronger and it is having an additional property where it is able to heal itself. So this is high level technology where what is happening is that wherever cracks will come, it will rebuild it. Great. Self-healing, that's how it is self-healing. This is groundbreaking technology. So the market mein aana hai, future technology hai. It's future technology. It is लैंडमार्क, वी आर ऑलवेज थिंकिंग फ्यूचर की टेक्नोलॉजी सारी बाहर से आएगी, ऐसा नहीं है, हमारे यहीं से आ रही है, मुझे लग रहा है सबको यहीं से आ रहा है। सिमिलरली आपने मेंशन किया सेल्फ रिपेयरिंग रोड्स,
ये बहुत जरूरी चीज है। नितिन गडकरी साहब जाने से पहले सेल्फ रिपेयरिंग रोड बनाया जब तक कि वो मिनिस्ट्री में है, कि फिर उसके बाद रोड बनानी ना पड़े। वो जो कंट्रैक्टर्स हैं दे विल नॉट बी हैप्पी। 2015 का आविष्कार है, 2015 में ये रोड डेवलप की गई है, जिसमें दे आर यूजिंग सम बायोकेमिस्ट्री इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ दीज रोड्स। तो इसमें क्या होता है दैट द बैक्टीरियाज आर इन्फ्यूज्ड इन व्हेन द रोड इज मेड, एंड जब भी ये रोड क्रैक होगी, और इसमें क्या होता है कि ज्यादातर रोड्स क्रैक क्यों होती हैं, दे विल क्रैक बिकॉज ऑफ रेन और ओवरलोडिंग व्हाट एवर द केस में भी। तो इनके जो बैक्टीरियाज हैं जो इसमें इन्फ्यूज करेगा, जो इन्फ्यूज्ड है, वो क्या करते हैं कि दे विल रिएक्ट विद सनलाइट and they will release a calciferous layer which will fill up the crack. It is cheaper to build than conventional roads. Servicing में 80% cheaper. आप सोचो ये हर 2-3 साल में सड़क में crack है, ठेकेदार फिर आ जाता है. That will be removed. So just imagine the impact on a country like India where एक बार बना दी and और कितनी vast हमारी country, तो cost saving कितनी ज़्यादा होगी? बहुत ज़्यादा Great sir. सर इन्वेंशन की बात बहुत हो गई, मतलब आई एम ओवरडोज ऑफ इन्वेंशन। व्यूअर्स आपको और डिटेल में और इन्वेंशन जाने से बहुत सारे हैं विच आर बीन डन बाय इंडियंस। दोस्तों बुक का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक डाल दिया, अगर आपको ना सारे इन्वेंशन पढ़ने हो ना तो आप बुक को परचेज जरूर कर लेना। मैं तो ये कहूँगा कि ना इस बुक को इसलिए परचेज कर लो कि अपने आप में एक डिक्शनरी है सारे इन्वेंशन की जो इंडियंस ने करे हैं, जो हमारी कंट्री इंडिया ने करे हैं, एंड वी मस्ट फील प्राउड ऑफ इट। मैं तो कहता हूँ जब भी किसी का बर्थडे हो ना या कोई एनिवर्सरी हो, ये बुक गिफ्ट करो, एंड एटलीस्ट दे शुड नो कि व्हाट वी एज एन इंडियंस वी हैव डन टिल नाउ ऑन दिस प्लैनेट। सर बुक की बात हो गई, ये बताइए अगली बुक कब आने वाली है? मेरी जो पहली किताब थी वो एक नॉवल थी, वो एक लड़की पे थी, कोविड के टाइम पे लिखी गई थी। वो किताब अगले महीने प्रभात प्रकाशन उसका हिंदी और इंग्लिश दोनों में नूरी नाम है, नूर के नाम से आएगी। तो hopefully by middle of September the next book should come out. So it's a romance or drama? It's a thriller. It's a thriller. It's okay. A thriller about a girl's journey and it's her complete journey from the time she's born till the time she establishes herself after all her उसकी जो परेशानियाँ थी उन सबसे लड़के वो आगे आना चाहती है। Woman centric book. It's a very woman centric book, but at the same time it is not just her story. उसमें 2-3 और characters हैं जो बहुत powerful हैं, जिनमें बहुत changes आते हैं जब वो जैसे स्टोरी डेवलप होती है और जैसे लाइफ को वो फेस करते हैं, तो सम चेंज फॉर द गुड सम चेंज फॉर द बैड। ओके एंड वी कैन सी दैट इन सितंबर, वी कैन यू विल डेफिनेटली सी दैट इन सितंबर। मैं एक बात और कहना चाहता था आपसे जी, मैं बहुत सालों से लिख रहा हूँ, करीब 10-12 साल से लिख रहा हूँ, और एक टाइम आया था जब काफी लेखकों की तरह मैंने 3-4 अलग अलग विषयों पर लिखा है और अलग अलग जॉनरे पे लिखा हुआ है, और मेरे को ये क्लैरिटी नहीं आ रही थी कि मैं किस जॉनरे पे लिखूं और किस पे एक्सपर्ट बनूं, क्योंकि आप देखोगे जो हॉरर राइटर होते हैं हॉरर ही लिखते हैं, जो रोमांस पे वो रोमांस ही लिखता है। तो मेरे को समझ नहीं आ रहा था कि किस पे मैं अपनी वो मास्टरी को एस्टेब्लिश करूं। तो फाइनली एक ब्रेक थ्रू आया जहां मैंने कहा कि यार बस लिखो, ऊपर वाले ने देन, इट्स अ ब्लेसिंग टू बी अ ऑथर, एंड आप जैसे लोग बड़े भाई मिलते हैं जो मेरे को इस बात से आ रहा है, मतलब आप मेरी बुक्स पे देखना, कई बुक्स पे लिखा हुआ है इंडियाज बेस्ट लिटरेरी जगलर। अच्छा, मुझे ये टाइटल दिया था आई थिंक एशियन क्रॉनिकल ने या टाइम्स ऑफ इंडिया ने। व्हाई? क्योंकि अगर आप मेरी बुक्स का सीक्वेंस देखोगे, फर्स्ट बुक थ्रिलर रिकलेक्टिंग द एंड, सेकेंड बुक माइथोलॉजी चैरियट्स ऑफ महाभारत, अच्छा, थर्ड बुक रोमांस माई म्यूट गर्लफ्रेंड, थर्ड फोर्थ बुक अगेन रोमांस एंड ड्रामा आई एम ऑलवेज हियर विद यू, फिफ्थ एंड सिक्स्थ बुक यंग एडल्ट लाइक हैरी पॉटर रिदम रॉजर द सीक्रेट्स ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड फैंटास्मागोरिया, देन थ्रिलर शी इरेज्ड, देन अगेन अ रोमांस यू आर स्टिल द वन, एंड नाउ अगेन अ थ्रिलर व्हिच इज कमिंग द गेम ऑफ डेथ। सो मैं हर बुक के साथ अपना जॉनर बदलता हूं। मेरी जर्नी भी कुछ ऐसी चल रही है, पहली वाली वाज अ फिक्शन जो दूर अभी आएगी,
It's purely a fiction inspired by true. And right? After the Game of Death, I'm working on non-fiction. मतलब मैंने जो आप जिस चीज से फेस कर रहे हो ना आई ऑल्सो फेस दिस इन द स्टार्टिंग. जब मुझे लोगों ने कहा तुम रोमांस, जैसे मेरी माई म्यूट गर्लफ्रेंड बहुत चली, उन्होंने कहा तुम रोमांस ऑथर हो, रोमांस ही लिखो. बट होता क्या था ना, मैं हमेशा कहता हूँ आई एम जेमिनाइन, मेरा दिमाग एक जगह चल नहीं सकता, मुझे ना मल्टीपल चीजें चाहिए. मैं एक कहानी लिख रहा होता हूँ और दूसरी दिमाग में चल रही होती है. तो देन आई स्टार्टेड थिंकिंग मुझे जो अच्छा लगेगा ना मैं वो लिखूंगा. आई वॉन्ट टू ब्रिंग दैट स्टोरी आउट. अब वो लोगों को रोमांस लगे, ड्रामा लगे, थ्रिलर लगे, बट आई हैव टू राइट दैट स्टोरी एंड आई थिंक दैट वर्क्ड विद मी. मेरी 8 में से 6 बुक नेशनल बेस्ट सेलर है आज की डेट. सो आई एम हैप्पी विद इट. तो रीडर्स मेरे सब में साथ दे रहे हैं, तो रीडर्स ऐसे ही देते रहो. मेरी भी बुक आने वाली है अगले महीने. इट्स अ थ्रिलर, तो जरूर पढ़ना. हाँ, आप मेरी किताब ढूंढ जरूर पढ़िएगा. हिंदी में, इंग्लिश में, दोनों में आ रही है. बिल्कुल. और मैं एक मिलिट्री थ्रिलर पे काम कर रहा हूँ. एक मैंने अगर आप नोटिस करो ये किताब, ये 75 इनोवेशंस है, इसमें नीचे मैंने एक लाइन लिखी थी, इंडिया दी एमर्जिंग सुपर पावर. तो उसी टॉपिक के आसपास उसमें भी एक किताब पे काम हो रहा है. और जो बहुत एक्साइटिंग है मेरे ख्याल से, इंडिया के बारे में चक्कर क्या होता है ना, हम अपने जीवन के कुएं में रहते हैं और सोचते हैं कि सब कुछ सही है, यही है. लेकिन हमें ये नहीं पता कि हमारी बाहर क्या है, वो क्या है, व्हाट इज आवर सीमा है, क्या हमारी, व्हाट्स देयर. एंड आई एम आल्सो एनएलपी कोच, बाय द वे, एनएलपी मास्टर कोच. अच्छा, ये मुझे नहीं पता. और मैंने उसमें कोचिंग कुछ नहीं की. मैंने वो सारी एनर्जी अपनी बुक्स में उतारी है. उसके ऊपर भी मैंने एक किताब लिखी है. एनएलपी इज रियली गुड थिंग एंड दैट्स समथिंग अबाउट रियल पीपल. सो जस्ट लाइक यू, आई एम होपिंग दैट I'll start. Sir, आप बस लिखते जाओ, तो अच्छी अच्छी बुक्स लिखते हो. this book is really good. I'm waiting for Noor. अब Noor पढ़ के देखो. सर, ये किताब जो है, I have to talk एक सेकंड के लिए बस, कि हर भारतीय का हक है टू बी प्राउड इंडियन, टू बी फील प्राउड कि हमारे एंसेस्टर्स ने क्या क्या किया है और हमारे आसपास बच्चे आजकल क्या कर रहे हैं. और फ्यूचर बहुत ब्राइट है इंडिया का, बिलीव मी. अभी इंडिया को सिर्फ 70 साल हुए हैं इंडिपेंडेंस के बाद, एंड वी आर जस्ट गेटिंग स्टार्टेड. अगर हम अपनी पे आ गए तो सचमुच हम विश्व के सबसे बेहतरीन पावर्स में माने जाएंगे, इमर्जिंग सुपर पावर. सो वी आर एन इमर्जिंग सुपर पावर. एंड प्लीज डू रीड द बुक, डू शेयर द बुक. लॉट्स ऑफ लव, बेस्ट विशेस. थैंक यू. थैंक यू सर फॉर बींग ऑन दिस शो, शेयरिंग सच एन इनसाइटफुल इन्फॉर्मेशन. आप ऐसी अच्छी अच्छी किताबें लिखते रहें, शो पर आते रहें. जरूर हम और गप्पे मारें. थैंक यू. मिलकर बहुत खुशी हुई. थैंक यू सो मच.